नमस्कार दोस्तों, आराधना इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक मोटर है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इस मोटर में पत्थर आ गया, देखिए ये पत्थर आ गया था, इसके एम्पलर के एकदम ये देखिए पूरे एकदम टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। देखिए ये देखिए, इसमें कितने सारे टुकड़े हो चुके हैं। अब कस्टमर कह रहा है सेट पानी बिल्कुल नहीं खींच रहा है, और तुमने कहा ठीक है लाके दिखाइए, और लाके दिखाए दोस्तों। दरअसल ये मोटर मुझसे ले गए थे जूने में, वो करीब एक साल पहले, एक साल चलाए बोले, अचानक दिन चल रहे थे और अचानक आवाज़ आया खड़ा खड़ा, और फिर पानी खींचना बंद कर दिया। हमने आज खोल देखा तो इसमें दिखा कि हमारा अम्बलों का सारा जो है ये दाती ये पूरा टूट के ख़त्म हो चुका है। ये अब दोस्तों इसका हम अम्बल डालने वाले हैं, तो अब देखिए अम्बल डालने में कितना मज़ा आने वाला है और कितना फड़फड़ डालने वाला हमें। दोस्तों सबसे पहले अम्बल डालना हो तो आप डाल दें यहाँ पे घासलेट, मिट्टी का तेल, मिट्टी तेल घासलेट नहीं है, तो आप डाल दें पानी इसके ऊपर, पानी डाल दें और इसको ठोक दें, पहले इसको आराम से पहले ठोक लें निकालने से पहले। दोस्तों वैसे अम्बल हमारा पूरा ख़राब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों अगर अम्बल अच्छा भी हो, आपको निकालना हो तो इस तरीके निकालें, एकदम आसानी से एकदम प्यार से निकल जाता है ये, और आपको कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं है। इस तरह पहले ठोक दें, निकालना बहुत आसान हो जाएगा ये। हाँ दोस्तों, हमारा अम्बल लगता है कि जगह छोड़ दिया है, हाँ अब छोड़ दिया है। देखो जब तक ये सड़ नहीं जाए तब तक आपको ठोकना चाहिए। जब सड़क के ये पहुँच जाए उसके बाद आपको निकालना चाहिए। दोस्तों सड़क गया ये, और फिर आपको ये लगाना, आपको बोला इस तरह से, ये पुलर का जो टांग है एकदम लेवल में रखें, इससे क्या आपको आपको पुलर निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह दबाएंगे ये निकल जाएगा। टेढ़ा बैठ रहा है ये, टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम पूरा हमारे दिन सीधा रखें कूलर को, दोस्तों देखिए निकल गया ये बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों इसके माप ले लें कि आपके अम्बल का साइज क्या है। हाँ दोस्तों, हमारे अम्बल तो दिख रहा है 62 mm, रुकिए देखता मेरे पास है क्या। दोस्तों देखिए अम्बल लाया मैं, देखता हमारे पास है क्या। हाँ तो एकदम परफेक्ट है ये, सेम टू सेम वही सेम साइज है, कोई अंतर नहीं है। हाँ एकदम परफेक्ट साइज है, सेम सेम है। अब सबसे पहले ये अम्बल रखा हूँ, उठा के साइड रख दें। दोस्तों आपने मोटर खोला है तो फिटिंग करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपके वाटर से लेके हाथ जा रहे हैं, तो पहले इसमें डाल दें पानी। दोस्तों पानी थोड़ा आराम डालना है ताकि खाली उसमें भर जाए, बाहर गिरने ना पाए, क्योंकि अगर अम्बल गया है वो वाटर सील हमारा गया है तो फिर डाल दें, इससे क्या होगा अब दोबारा आपको कोई झंझट नहीं दोबारा खोलने का, और मतलब थोड़ा टाइम रुक जाए और घुमा के भी देख लें
दोस्तों पानी हमारा बिल्कुल भी खाली नहीं हो रहा है, मतलब हमारा वाटर से जो है एकदम ठीक है। अब दोस्तों देखिए अपने को डालने का हम बोला, इसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। सीधा सीधा देखिए ये हमारा खांचा है लॉक वाला और ये लॉक है, सीधा इसके सामने लाएं। बहुत सिंपल तरीका ये, अगर अंबुल आपको छूट जाए तो आप खुद जला सकते हैं अपने घर पे ही। सीधा रख के ठोक देना बस, और दोस्तों इतना ठोके कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं गैप आपको, इसमें टच ना हो और हमारा मोटर फ्री रहे बस, तब तक आपको ठोकना है। और दोस्तों उसके लिए देखिए मेरे पास 10 का बॉक्स पड़ा है, मैं इसको रखूँगा और इसके ऊपर रख के ठोक देना। दोस्तों बॉक्स वाला बहुत ही अच्छा है, आपको सीलिंग फैन फिटिंग करने में और बहुत सारी जगह मदद करता है ये, तो इसके लिए आप भी बॉक्स वाला खरीदें। दोस्तों आपको कोई भी औजार चाहिए, फूल चाहिए, पाना पकड़ चाहिए और उसके अलावा आपको स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का नाम है electricalsparepartsin, आपको जो भी सामान मिलेंगे सभी सामान ओरिजिनल रहेंगे, सब क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि आप ले लिए और सामान ख़राब है, ऐसा नहीं दोस्तों, हमारा सामान जो भी है सब अच्छी क्वालिटी वाला ही रहेगा। अब दोस्तों हमारा मोटर बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे लगभग टच हो चुका, देखिए बहुत से देखिए आप, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, बिल्कुल गैप भी नहीं है और हमारा फ्री भी है, तो इसका मतलब है हमारा अम्ब्रेला लग चुका है। अभी आपको क्या करने का है, अभी आपको फिटिंग करना है इसको, फिटिंग करने से पहले आपको एक बार देख लेना है कि इसमें कुछ कचरा तो नहीं है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या डाला है, ये पानी भरते थे कि क्या भरते थे, ये देखिए ये सब क्या है। दोस्तों जब भी आप अम्ब्रेला चेंज करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये बात बिना भूले आपको चेक करना कंपलसरी है, अगर आप भूल गए तो फिर से अम्ब्रेला टूटेगा, फिर से अम्ब्रेला टूटेगा, आएगा बोलेगा अरे क्या सेट कैसे बनाए आप, अम्ब्रेला डुप्लीकेट लगाए थे क्या, और फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। या तो उस टाइम खोल के देखें तुरंत तुरंत सब चेक करें, चेक करें तो भी ग्राहक आप एग्री नहीं होगा, बोलेगा भाई आपको चेक करना चाहिए था, ऐसा ऐसा बोलेगा। इसके लिए जब भी आप अम्ब्रेला चेंज करेंगे तो आपको देख लेना है इसमें कचरा या कोई कंकड़ पत्थर है तो नहीं कुछ, अगर है उसको साफ कर दे। और दोस्तों ऐसे इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमारा यहाँ जो हमारा वो लगा रहता NRV वो लगा हुआ नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, सब साफ सुथरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको फिटिंग कर दें, दोस्तों फिटिंग करने से पहले एक बात देख लें कि आपका जो यहाँ पे रहता हमारा ओरिंग है कि नहीं, और दोस्तों हमारा ओरिंग है और सही है, सही सलामत है, कोई टूटा फूटा नहीं, बराबर है। ये ओरिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो क्या होगा, एयर लीक करेगा और एयर लीक करेगा तो पानी बिल्कुल खींचने वाला नहीं है, कोई प्रेशर बनेगा नहीं, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत होगी फिर। अब दोस्तों हम लोग अम्ब्रेला लगाने के बाद में क्या होता है, कभी हमारा मोटर फ्री नहीं होता तो देखते हैं हमारा मोटर फ्री हो रहा है क्या। सबसे पहले क्या करें, आपको सभी ये लगा लेना है तीनों, बस हमारा मोटर फ्री है लगभग, कोई दिक्कत होने वाली है। दोस्तों टीप आना हुआ, मंकी पकड़ हुआ, हथौड़ी हुआ, इसके अलावा टेस्टर, बेरिंग पुलर्स, कुकर डाई, और दोस्तों उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स में जो आपको आइटम कहीं मिलता हो नहीं मिलता हो आप मुझे बोलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अरेंज करके देने की, मेरे पास नहीं भी होगा तो ही मैं अरेंज करके दूंगा आपको। एक दो दिन तीन दिन समय जाएगा लेकिन आपको सामान मिल जाएगा। आप कोई ऐसा सामान हो जो मार्केट ना मिल रहा हो और इसके लिए हमारा सामान बन नहीं पा रहा है, हमारा कस्टमर चिल्ला रहा है, तो ऐसे सामान के लिए मुझे ज़रूरत करें आप, क्योंकि मैं आपको सामान पक्का है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अरेंज करके देने की। दोस्तों टाइट फुल करना एकदम, और देख लेना फ्री की दोस्तों हमारा फ्री है। अब दोस्तों आपने जारी कर दिया है, अभी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका कहीं लीकेज तो नहीं है, ऐसे दोस्तों लीकेज होने कोई चांस है नहीं क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया वाटर से सही है और हमारा ओरिंग भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चेक करना चाहिए तो चेक कर लें।
दोस्तों देखिए अब ये वो चेक कैसे करना है, आपको अपना हाथ यहाँ रख देना है और इस पर मुँह लगा के आपको इसमें जो हवा है अपने अंदर सक करना है, खींचना है, पूरा खींचते जाएँ खींचते जाएँ खींचते जाएँ, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें एयर है पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब एयर ख़त्म हो जाएगा तो फिर से उस एयर को मतलब उसको चाहिए एयर को, एयर इसलिए खींचेगा अपनी तरफ, वो आपका जुबान है वो पकड़ लेगा, वो तो समझ जाइए कि आपके इसके अंदर कहीं लीकेज नहीं है। दोस्तों हमारा बिल्कुल पंप ठीक है, कहीं लीकेज नहीं है। अब तो सही है, पंखे लगा देना है, ये पकड़ था इसके अंदर ये लगा देना है, उसको भी टाइट कर देना है। दोस्तों इसका जो बैक कवर है ये कस्टमर घर पे ही है, तो लाए नहीं है, खाली इतने लाए थे वो। अभी दोस्तों इसको चालू करेंगे, अपने चालू करने से पहले एक बार थोड़ा पानी भर दें इसके अंदर। दोस्तों कभी आपको मोटर चलाना हो और ख़ास करके आपका वाटर पम्प के अंदर पानी भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो वाटर सील होता है वो रबर का होता है, आप नहीं चलाएंगे तो बिना पानी चलाएंगे तो हमारा मोटर गर्म होगा और वाटर सील पिघल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए आपको पानी भरना चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा पानी भरता है फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमने पानी भर दिया है, दोस्तों पानी में थोड़ा भरा इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी बाहर फेंकेगा नहीं है। दोस्तों इसमें प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मोटर सही है लीकेज कहीं नहीं है तो आपका प्रेशर बनने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों वाटर पम्प जो होता है हमेशा आपको इस तरह घूमना चाहिए ऐसा। अब दोस्तों देखिए पहली बार चालू करेंगे तो हो सकता है हल्का आवाज़ करेगा, लेकिन एक बार चलेगा सेट हो जाएगा तो आवाज़ करेगा नहीं। और दोस्तों चिंता करें, दोस्तों चालू करने से पहले एक बार आपको बॉडी शॉट चेक करना चाहिए, कहीं बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए बॉडी शॉट नहीं आ रहा है, हमारा मोटर बिल्कुल ओके। दोस्तों देखिए आवाज़ नहीं कर रहा, हमारा मोटर बिल्कुल ओके है। दोस्तों इस तरह से कभी आपका मोटर का पानी बिल्कुल फेंकना बंद कर दिया हो और आपको कहीं लीकेज नहीं दिख रहा हो तो समझ जाए कि लगता है गड़बड़ा, खोल देखेंगे, अगर हम आपके एम्बुलेंस हाल दिया है जैसा मैंने निकाला ऐसा निकाल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों काम सीख के और अपना दुकान भी खोल सकते हैं आप। और दोस्तों कोई आपको टूल चाहिए, काम सीखनी है आप या सीख रहे हैं, आपको टूल चाहिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है electricalspareparts.in। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।